नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अवनीश और आप देख रहे हो एसएससी स्टॉक मार्केट। बात करेंगे जयप्रकाश एसोसिएट लिमिटेड के बारे में। यहां पे जयप्रकाश एसोसिएट लिमिटेड में वोटिंग रिजल्ट आया है, इनका वोटिंग अपडेट आया है। जो इनकी एनुअल जनरल मीटिंग हुई थी उसी का यहां पे आउटकम आता हुआ दिख रहा है हम लोगों को। 30 सितंबर 2024 को जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इनका जो मीटिंग हुआ था, एजीएम हुआ था, उसका अपडेट और कुछ वोटिंग भी हुई थी जिसका अपडेट यहाँ पे आया है। और उसमें कई सारे रेजुलेशन के तहत कई सारी चीज़ों को अप्रूव किया गया है। जैसे देखेंगे कंसोलिडेटेड रिजल्ट जो इनका आया था मार्च 2023-24 वाला, और उसको जो है अप्रूव किया गया है। 94% इनके वोट फेवर में पड़े हैं और 5.7% वोट इनके अगेंस्ट में पड़े हैं। एक और रेजुलेशन था जिसके तहत कुछ जो है जयप्रकाश गौर को जो है यहाँ पे डायरेक्टर के तौर पे नियुक्त करना था, रीअपॉइंट करने था। पहले से भी थे, रिटायर हो रहे थे, मतलब कार्यकाल पूरा हो रहा था, तो फिर से इसको भी यहाँ पे लगभग 95.5% बहुमत से मतलब फेवर में इनको वोट पड़ा है और इनके अगेंस्ट में 4.47% वोट पड़ा है। वहीं पे देखेंगे तो कुछ यहाँ पे कॉस्ट ऑफ ऑडिटर के लिए भी, उनके कॉस्ट के लिए भी वोटिंग हुई है, जिसको जो है 99.98% जो है लगभग 100% इनके वोट फेवर में पड़े हैं। इसी तरह से रीअपॉइंटमेंट होने वाला है पंकज गौर का, इनको भी 95% वोट फेवर में पड़े हैं और 5% वोट जो है इनके अगेंस्ट में पड़े हैं। पांचवा देखेंगे तो श्री जो है पंकज गौर भी हैं, इनको भी जो है वही मैनेजिंग डायरेक्टर एमडी के तौर पे नियुक्त किया गया है और 99.5% मतलब 99.5% वोट इनके फेवर में पड़ा है और जो वोट है आधा परसेंट इनके अगेंस्ट में पड़ा है। वहीं पे श्री नवीन कुमार है, इनको भी अपॉइंट किया गया है ओल्ड टाइम डायरेक्टर के तौर पे। 100% मेजोरिटी से इनको जो है पास किया गया है, फेवर में इनके वोट पड़े हुए हैं। तो उसी तरह से देखेंगे नवीन कुमार को जो है यहाँ पे ओल्ड टाइम डायरेक्टर के तौर पे भी नियुक्त किया गया है, इनको भी, और इनको भी जो लगभग लगभग 100% वोट फेवर में इनके पड़े हैं। इस तरह से यहाँ पे हम लोगों को अपडेट देखने के लिए कई सारा मिला है। देखिए आज अभी मार्केट तो ओपन ही हो रहा है तो उतना कुछ ज़्यादा वॉल्यूम ट्रेड नहीं हुआ है, लेकिन भाई जब से इसकी ट्रेडिंग मतलब हर दिन डेली बेसिस पे शुरू हुई है ना, तब से ये लगातार अपर सर्किट पे अपर सर्किट मार रहा है। हालांकि आज 5 लाख की पूरी शेयर ही टोटल ट्रेड हुआ है, लेकिन अभी भी अपर सर्किट पे अगर हम लोग देखेंगे तो भाई इतनी क्वांटिटी लगी हुई है ना कि जितना एक दिन में तो ट्रेड होना मुमकिन नहीं है। इसमें जो इसका हिस्ट्री है अगर हम लोग पिछले ट्रेडिंग सिस्टम में देखेंगे तो यहाँ पे देखिए कल इसमें जो है केवल 31 लाख, इतना मार्केट में जबरदस्त गिरावट थी उसके बावजूद भी केवल 31,000 लोगों ने, सॉरी 31 लाख लोगों ने ही इसके शेयर को बेचा है। खरीदने के लिए तो बहुत सारे लोग तैयार थे लेकिन बेचने वाला कोई था ही नहीं। और उसके बाद अगर देखेंगे इसके 2 दिन पीछे का 1 अक्टूबर और 30 सितंबर, तो 2 करोड़ और हाईएस्ट जो अभी फिलहाल में 1 हफ्ते का है जब से, तो 5 करोड़ हाईएस्ट जो है वॉल्यूम इसमें ट्रेड हुआ। अभी आज हम लोग देखेंगे तो आज यहाँ पे क्या कंडीशन बना है पता है आप लोगों को? 5% का सर्किल लगा है मार्केट में, ठीक है। मार्केट देखिए जब 2% मार्केट गिरता है तो अगले दिन भी मार्केट थोड़ा बहुत सेंटिमेंटल असर पड़ता है और निगेटिव रहता है, ठीक है ना। बाई चांस रिकवरी आ जाए क्योंकि मार्केट कभी कभी जो है प्लस में जा रहे हैं, जैसे निफ्टी बैंक कभी कभी देखिए एकदम फ्लैट ट्रेड कर रहा है, कभी कभी निफ्टी बैंक भी देखिए अभी पॉजिटिव हो गया, ग्रीन हो गया ना यहाँ पे, तो इसी तरह से कभी कभी निफ्टी बैंक ग्रीन में चला आ रहा है, कभी कभी फ्लैट आ रहा है निफ्टी भी। यहाँ पे देखिए मिड कैप देखिए अभी जो है ग्रीन में बिल्कुल अभी आया है, मतलब बिल्कुल वही एकदम जो है फ्लैट ट्रेडिंग हो रही है, कभी भी मार्केट नीचे या ऊपर ब्रेक कर सकता है, ठीक है ना। देखते हैं क्या होता है, अभी तो ट्रेडिंग शुरू हुई है। आईटी में थोड़ी सी तेजी हम लोगों को देखने के लिए मिल रही है, वहीं पे पीएसयू बैंक में भी तेजी देखने के लिए मिली है, और इसी पीएसयू बैंक जो सरकारी बैंक है उनमें तेजी की वजह से निफ्टी बैंक थोड़ा सा ज्यादा रिकवरी कर रहा है। नीचे के साइड में देखेंगे हम लोग यहाँ पे तो हेल्थ केयर में थोड़ी सी तेजी हम लोगों को देखने के लिए मिली, आज भी इंडिया विक्स में तेजी है। देखिए कुल मिला के कहेंगे कि आज का मौसम कुल मिला के ठीक है मार्केट का, ऐसा नहीं कि बहुत डर वाला माहौल है, ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है ना। आज अगर लार्ज डील की बात करेंगे इसमें हम लोग तो लार्ज डील भी इसमें ट्रेड, चलिए अभी तक मनी कंट्रोल अपडेट नहीं किया है, अपडेट करेगा तो मैं बता दूंगा कभी। देखिए इसमें मैं इंतजार कर रहा था एक रेड कैंडल की, अगर आज एक रेड कैंडल यहाँ पे बनती, गैप अप के साथ अगर एक रेड कैंडल बनती है, हो सकता है शाम तक अगर रेड कैंडल बन जाए तो फिर आप लोग एक बार के लिए छोटी मोटी पोजीशन फिर से ले सकते हैं। लेकिन मैं आपको कई बार प्रॉफिट इसमें बुक करवाया हूँ और कई बार आपका लॉस भी बचाया हूँ, अगर आप मेरे पुराने व्यूअर हैं तो, बहुत पहले से मुझे देखते आए हैं। तब जब इसमें गिरावट आ रही थी तब मैं आप लोगों को क्लियर क्लियर बोला था ये वाले लेवल पे
जब 9 रुपये पे सपोर्ट लेके एक बार मोमेंटम दिखाया था, 11 रुपये गया था, तब यहाँ पे मैं आपको आपका पैसा बचाया था और बोला था कि आपके पास पोजीशन अगर इसमें है, चाहे आपको कितना भी लॉस रहा है, आप 20 पे खरीदे हो, 15 पे खरीदे हो, 18 पे खरीदे हो, उससे मतलब नहीं, आप 12 पे एक बार, 11 पे इसको सेल करिए, इसको फिर से हम लोग खरीदेंगे, 14 रुपये के ऊपर ऊपर जाएगा, तब उस समय से मैं आप लोगों को बहुत अच्छा प्रॉफिट करवाया हूँ, या तो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट का मतलब 11 रुपये पे अगर आपने सेल किया, 7 रुपये पे फिर से मैंने बाय करने के लिए बोला, तो 4 रुपये का सीधा सीधा आपको जो है इनडायरेक्टली बेनिफिट हो गया। मतलब अगर आपके पास एक शेयर ही मान लें, एक शेयर आपने 11 रुपये पे सेल किया था और उसी एक शेयर को फिर से आपने 1 7 रुपये खरीद दिया, तो आपका एक शेयर का एक शेयर बन भी गया, फिर से हो गया आपके पास, और 4 रुपये आपका बच भी गया, तो ये इनडायरेक्टली बेनिफिट करवाता है। और वहीं पे यहाँ पे 7 रुपये पे मैं आपको जो है खदवा के 9 रुपये 10 रुपये का एक टारगेट भी बुक करवाया, हालांकि दूसरा टारगेट 11 12 रुपये का था, यही रेजिस्टेंस का जो नहीं मिल पाया, अब मिल जाएगा फिर से, तो उस समय भी मैं आपको डायरेक्ट प्रॉफिट, तो एक बार इनडायरेक्टली एक बार डायरेक्ट प्रॉफिट आप लोगों को मैं करवा चुका हूँ। तो यहाँ पे फिर से देखिए, एक अपॉर्चुनिटी तभी बनती जब आज वाली कैंडल मेरे हिसाब से थोड़ी सी रेड बन जाती। अब बोलोगे कि भाई ऐसा कैसा कि अब आप मतलब ये कह रहे हो कि रेड कैंडल बने, रेड कैंडल देखिए जहाँ पे रेड कैंडल बनना चाहिए ना वहाँ पे बनना चाहिए, जहाँ पे ग्रीन कैंडल बनना चाहिए ना वहाँ पे बनना चाहिए, वो होता है परफेक्ट, नहीं तो फिर अगर उल्टा सीधा कैंडल बनना शुरू करेगा तो फिर दिक्कत हो जाए। अब यहाँ पे एक रेड कैंडल बनने का क्या मतलब होता है, सीधा समझिए कि यहाँ पे गैप ओपनिंग दिया, एक रेड कैंडल बनाया, इस तरह से यहाँ पे रेड कैंडल हो गया, अगले दिन फिर से गैप ओपनिंग देके यहाँ से जो है शेयर भाग जाता, तो इस तरह से एक अच्छा सा पैटर्न बनता, और ये जो हम लोग का जो पहले का 7 रुपये का सपोर्ट था उसको एक बार सपोर्ट भी ले लेता, मतलब अगर यहाँ से आज इसमें फिर से गिरावट थोड़ी सी आती तो 7 रुपये के आसपास इसका जो है लोअर सर्किट, तो चलिए ढेर नीचे इसका होगा, हाँ 6 रुपये 70 पैसे, तो अगर एक बार यहाँ पे लोअर सर्किट ना भी लगता 7 रुपये तक आता, 7 रुपये 90 पैसे तक आता, और फिर वहाँ से कैंडल क्लोज करके फिर अगले दिन से गैप ओपनिंग देता, तो वो और स्ट्रांग मतलब तेजी होती, ठीक है ना। तो देखेंगे, हालांकि आज सेलिंग हुई है इसमें तो ठीक है, 4 लाख 5 लाख इक्विटी शेयर आज इसमें टोटल ट्रेड हुए हैं, लेकिन वही बोला था आप लोगों को, यहाँ पे देखिए ये वाले मतलब फिगर पे आप नोट करिए, 6.78 करोड़ इक्विटी शेयर, मतलब सीधा सीधा इसको मैं बोलूँ तो 6 करोड़ 78 लाख इक्विटी शेयर, सीधा सीधा कह लें कि 7 करोड़ इक्विटी शेयर बाइंग साइड में लगा हुआ है, यहाँ पे अगर फिगर देखेंगे तो एक दिन में मैक्सिमम इसमें 5 करोड़ अभी हम लोग देख रहे थे कि वॉल्यूम ट्रेड हुआ है, तो एक दिन में 7 करोड़ वॉल्यूम ट्रेड होना इसमें मेरे हिसाब से पॉसिबल नहीं। हाँ मार्केट फिर से अभी 2% उसी तरह से क्रैश कर जाए तो शायद, हालांकि कल भी क्रैश किया था तो गिरा नहीं था ना, उसी तरह से इसमें देखने के लिए मिला। अब देखिए मेरे हिसाब से अगर यही वाला रिदम रहा, इसी तरह से 6 6 करोड़ 7 7 करोड़ इक्विटी शेयर इसके लगेंगे अपर सर्किट पे, तो फिर ये जो है बहुत जल्द जो है कंटिन्यू मोमेंटम में 9 रुपये तक जा सकता है, तो फिर हम लोगों को बीच में खरीदारी करने का मौका नहीं मिला, क्योंकि मैं कभी भी इस तरह के जो है 6 करोड़ 7 करोड़ इक्विटी शेयर लगे हों जब अपर सर्किट पे, मैं कभी भी आपको जो है खरीदारी करने की राय नहीं दूँ। इसमें होता क्या ना कि आप अगर ऑर्डर लगाओगे 7 करोड़ लोगों के पीछे आपका नंबर आएगा, और 7 करोड़ लोगों के नंबर पीछे लगने का मतलब एक ही होता है कि या तो बड़ी गिरावट आ जाए, सभी लोग 7 करोड़ शेयर सेल कर दें, उसके बाद 7 करोड़ के बाद आपका शेयर सेल हो मतलब बाय हो, तो और निगेटिव पॉइंट है। अगर नहीं होता है तो फिर झूठ मूठ का ऑर्डर लगा के दिन भर उसको देखोगे कि एग्जीक्यूट हुआ कि नहीं, एग्जीक्यूट हुआ कि नहीं, दुनिया भर का प्रेशर दिमाग पे रहेगा भाई फालतू का, ठीक है ना, तो ये चीज़ होता है। देख ले, मिलना होगा तो शेयर आपको आसानी से मिल जाते हैं, नहीं मिलना होगा आप एड़ियां घसते रह जाओगे, आपको शेयर नहीं मिलेगा, जैसे अभी यहाँ पे कि आप कुछ भी कर सकते थे, बेचने के लिए जी जान लगाए थे, बिका नहीं, जब भी बिका जब उसको बिकना था, तो जब भी आपको मिलना होगा तभी मिलेगा, जब बिकना है तभी बिकेगा, अकुताने से कुछ नहीं होगा आपके, तो देख लीजिएगा, मेरा व्यू ठीक है इसमें होल्ड कर सकते हैं, खरीदारी करने का व्यू नहीं रहेगा, ठीक है ना, देख लीजिएगा, वीडियो पसंद आया लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में, ठीक है।